हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग पे, जो कि आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दीपावली की सुबह 9 बजे से। तो दोस्तों, आपकी पूजा पाठ तो हो चुकी होंगी और मेरा बस थोड़ा साफ सफाई में टाइम लग गया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, और शुरुआत करते हैं दीपावली की। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं कर रही हूँ अब मंदिर सजाने की तैयारी, यानी मंदिर का काम जो भी है, पूजा पाठ वो कर रही हूँ। और फूल मैंने तोड़ लिए, ये मेरे मतलब मैंने लगाया हुआ था एक गेंदे का फूल, उसमें इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, तो वहीं से मैंने तोड़ लिया। और माला वगैरह तो बन चुकी है, मैंने बनी बनी ले आई थी क्योंकि मुझे नहीं टाइम हो रहा था बनाने के लिए। तो चलो फिर मंदिर सजाते हैं और करते हैं पूजा की तैयारी और शुरुआत करते हैं दीपावली की। और प्रिंस भी नहा के आ चुका है, तो हैप्पी दीपावली प्रिंस। हैप्पी दीवाली। और दोस्तों को भी बोलो हैप्पी दीवाली, जोर से बोल हैप्पी दिवाली आप सभी को हमारी तरफ से। वही तो ऐसे बोला डरे डरे। तो दोस्तों चलो फिर करते हैं तैयारी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर में। अभी मेरा मंदिर कुछ ऐसा है, थोड़ा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है, तो ऐसे कुछ। तो मैं अभी इसको बढ़िया करके सजाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। चलो फिर करते हैं इसी के साथ साथ काम शुरू, और मैं फटाफट से मंदिर तैयार करती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी कैसा लगा बताना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये रही हमारी माता रानी, तो आशीर्वाद ले लीजिए आप। तो आज इनके लिए भी आया है नया लहंगा, तो मैं इसको पहनाती हूँ। शुरुआत मैंने कर दी है अपने मंदिर से, और माता रानी और लक्ष्मी भैया और हमारे हनुमान जी, श्री राम जी, सबको मैंने सजा दिया है। और कैसा लगा मेरा मंदिर का डेकोरेशन ये जरूर बताना। तो मेरी और हम सब की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरुआत तो मैंने कर दी है, बस पूजा पाठ करते करते आप भी गए, बट कोई बात नहीं, खुशी है कि हम लोग इतने सक्षम है कि अपने भगवान जी के साथ दीपावली मना रहे हैं। तो आप सभी को भी माता रानी का आशीर्वाद। और मैं तो खैर तैयारी कर चुकी हूँ, फिर बाकी नाश्ता वास्ता बनाते हैं और भी सारा काम है। तो दोस्तों प्रिंस भी आ चुका है मंदिर में टीका लगाने, और बता फिर कैसा लग रहा है मंदिर? डेकोरेशन कर रखा है आपने, है बहुत प्यारा ना। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं इधर ही बैठे रहूँ और बस देखती रहूँ अपने भगवान जी को। चलो फिर टीका लगाते हैं। लगा दो। दोस्तों मुझे मंदिर में बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, और अभी भी मुझे नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ यहीं पे बैठी रहूँ, तो और काम भी है बाकी, शाम को दीपावली भी मनानी है और भी तैयारी करनी है, तो बस। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, ये है मेरी लक्ष्मी माता का गुल्लक, तो ये खूब भर भर के आएगा, है ना। जय है लक्ष्मी मियाँ की, और माता रानी तो साथ में है ही। तो चलो फिर बाकी ये जाएगा हमारे पितरों के लिए, तो ये उनका भोग है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ तो मैंने कर ली है, और मेरे लिए नाश्ता तैयार हो गया है और खाने भी लग गए हैं। बनाया मेरे लिए भी रोटी, मैगी रोटी वगैरह बनी हुई है, मैं खाती हूँ। साथ में लगे माता रानी के भजन, और प्रिंस ने भी खाई लिया है, खाती हूँ मैं भी। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2, और हमारा खाना हो रहा है अभी, यानी दिन का लंच। और आज मैंने लंच में बनाया है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाया। मैंने आज पहाड़ी खाना बनाया, बिल्कुल मस्त टेस्टी वाला है आज का हमारा लंच। मैंने बनाई है आज राई की पलेवा, यानी राई का पलेवा झोली जिसको बोलते हैं, और ये सूखी सब्जी मूली, और मेरी मस्त हरी मिर्च, और यहाँ पे है इतना तकड़ा पहाड़ का घी। तो बस मस्त घी को डालेंगे अब भात में, फिर खाएँगे टेस्टी टेस्टी। और रगड़ी हूँ।
तो दोस्तों काम करते करते दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। और मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ, देखो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये तैयार हो चुका है शाही पनीर, जो कि मैंने अभी बना दिया है। और ये पकौड़े के लिए मैंने ऐसे आलू, राई, प्याज और हरी मिर्च काट के रखा है। इसको जब बनाऊंगी तभी मैं मिक्स करूंगी, बाकी उबल रहा है पनीर। खाना तो सारा बन चुका है, मैंने बना लिया है, थोड़ा बहुत पूड़िया वगैरह बाद में बनाएंगे। और अब मैं तैयार होती हूँ पूजा के लिए। और पूजा के लिए मैंने निकाल रखी है ये येलो कलर की साड़ी, तो देखते हैं कैसी लगती है। तो फटाफट से इसको पहन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। दोस्तों मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, साथ में सेठ जी भी तैयार हो चुके हैं। तो आज कितने साल बाद मौका मिल रहा है दीपावली मनाने का? 16 साल बाद। तो ये कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था इतना, लेकिन 16 साल बाद पहली बार दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। वो इसलिए कि ड्यूटी पे रहते हैं तो कभी कहीं पोस्टिंग, कभी कहीं तो छुट्टी भी नहीं मिल पाती है इस वजह से। तो चलो दोस्तों को हैप्पी दीपावली बोल दो। हैप्पी दीपावली। तो आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रिंस भी कहीं तैयार होके बैठा हुआ है। दोस्तों मैं चल रही हूँ मंदिर की तरफ और सीता के फूटने लग गया। मैं जारी दिया शायद मैं ले न पूछाऊँ, ये रहे मेरी माता रानी। तो हैप्पी दीपावली। तो ये जो मैंने आज सुबह से जलाए हुए हैं वो अभी भी जल रहे हैं। पटाखे तैयारी कर रखी है, यहाँ पे दिया तैयार कर रखे हैं और भी है। तो फटाफट से दिया वगैरह जलाती हूँ, तो पटाखे भी फूटने लग गए, मैं थोड़ा तैयार होने में टाइम लग गया। दोस्तों कैसा लग रहा है लुक? जय माता दी, जय श्री राम। चलो फटाफट दिया लगाते हैं। तो दोस्तों सामने हमारी हो गई है, दिए वे जला लिया और टीका का भी हमने लगा लिया है और साथ भी चढ़ गया है। बाकी पटाखे फूटने लगे, प्रिंस को जल्दी हो रही है पटाखे फूटने की है। और क्या कहते हैं, थोड़ा थक सा गया है, दिन भर में पटाखे फूटने था, खेलने में था। तो दोस्तों फटाफट से हम भी दीपावली इंजॉय करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली।